बाबा साहब की आज जयंती है, अंबेडकर पार्क में कुछ यूथ आए हुए हैं, जय भीम तो समझ में आता है, ये चमार साहब लिखने क्या मतलब है? चमार साहब लिखने का मतलब है कि हम लोग जब अपने बाबा साहब हमारे लिए संविधान जो लिखे हैं और उन्होंने क्या होता है कि पहले के लोग हम लोग को पहले हड़िया टांगने का जो था जाति आधार पर भेदभाव, उधर भी दिखा दिए, देखिए एक और उधर, भैया इधर भी आ जाओ, बुला उनको, तो कई लोग ये लिए जाति आधार पर भेदभाव जो होता था, उन्होंने बाबा साहब ने हम लोग के लिए संविधान लिखा जिससे उसमें हम लोग को आरक्षण दिया। लेकिन बाबा साहब तो जाति मिटाने के पक्ष में थे, वो कहते थे जाति होनी नहीं चाहिए, और आप क्या कहते हैं जाति का डंका? नहीं, जाति नहीं होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन हम लोग जो पहले में सताए गए थे हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग बाबा साहब तो इसी जाति व्यवस्था के खिलाफ ही थे। हाँ, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे वो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब हम लोग जो 500,000 साल से हम लोग जो पीछे थे, पिछड़े हुए थे, हम लोग को वो चीज आजादी नहीं थी जीने की आजादी नहीं थी। आप ये जिस तरह से भाई साहब लिखे हैं चमार साहब, ये ठीक है, फील कर रहे हैं, ग्रेट फील कर रहे हैं, अच्छा प्राइड है। अभी इसी तरह से कोई ठाकुर अपने आप को मैं ठाकुर साहब, ब्राह्मण साहब, बाबा साहब इसी चीज के तो खिलाफ थे ना कि जाति व्यवस्था खत्म हो? दरअसल मुझे लगता है कि चमार एक गाली मानी जाती है अपने देश में। हाँ, ये बात सही है। उसको दर्जा दिलाने के लिए, एक जातिवाद के हिसाब से नहीं, लेकिन उसको दर्जा दिलाने के लिए कि हाँ, जैसे बाकी लोग ठाकुर साहब लगाते तो हमारा भी, यानी आज की जनरेशन जो है दलित जनरेशन है वो इसको गाली की तरह नहीं लेना चाहती है। हाँ जी, बिल्कुल है, तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम जो है, क्योंकि हमने देखा, हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत देखा है कि जो दलित है वो अपनी कास्ट छिपाते हैं, नहीं बताते, डरते हैं, अब हो सकता है उनको लगता है कोई भेदभाव का शिकार हो या अपॉर्चुनिटी उनको बराबर ना मिले, इसे छिपाते, लेकिन अब एक जनरेशन है जो बड़े गर्व से इन चीज़ों को बताती है। जी बिल्कुल, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग जिस पिछड़ी जाति से हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, तो बस यही सही कह रहे हैं। चश्मा उसमें भी लगाया यार, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। और क्या चाहिए कि हम जो है सो है, हमें गर्व होना चाहिए, क्यों हम अपनी जाति को गाली से? बाबा साहब कुछ मिशन का क्या होगा जिसमें वो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, जाति मिटाने की बात कहते थे? बाबा साहब ने एक शब्द बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम लोग ये थोड़ी कहा था जाति, हम लोग तो शिक्षित हो रहे हैं और संगठित नहीं हो रहे हैं, इसके वजह से हम लोग ने तो कहा था कि जो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते वो बीमार लोग हैं। हाँ, उन्होंने कहा था क्योंकि हम यहाँ के जो हम लोग हैं, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन बाबा साहब ने आके हम लोग को पढ़ने का अधिकार दिया, जिससे हम लोग अपने जीवन में आगे रहने वाले हैं। हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में कहाँ के? वहाँ बहुत जातिवादी इलाका है वो सब तो। हाँ, बनारस में जातिवादी, बनारसी जातिवादी, इसीलिए तो हम लोग अभी लखनऊ में हम आगे। गांव में क्या अभी भी जातिवाद चल रहा है? गांव में अभी भी जातिवाद चलती है, सब कुछ राजनीति हो रहा है ना, जो जातिवाद गांव में अभी पूरी तरह बरकरार। लोग कहते हैं अब तो जातिवाद कहाँ रहा, जाति खत्म हो गई, अब कोई जातिवाद नहीं करता है, जातिवाद चल रहा है। कहाँ जाति खत्म? लोगों के मन में शहर में लोग कहते हैं, बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं। तो कौन पत्रकार बुलाइए, हम पूछते हैं कहाँ जातिवाद खत्म हुआ है? आज भी मंदिरों में जाने से रोका जाता है। आप बोल रहे हैं जातिवाद खत्म है, कहीं जातिवाद खत्म? हम नहीं बोल रहे, हमको तो पता है जातिवाद अभी पूरी ताकत से। सवाल कर रहे हैं जातिवाद, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से वही लोग सवाल कर रहे हैं जो नहीं जानते हैं, सच्चाई को दबाना चाहते हैं, वो कहते हैं जातिवाद मिट गया, हम साथ में रहते हैं। लेकिन आइए हमारे घरों में, लोग आज भी चमार के घरों में आने से कहते हैं कि अछूत हो जाएंगे। अभी चित्रकूट वाले बाबा है ना, वो जो सूरदास टाइप के हैं, उन्होंने कहा है कि मैं तो जातिवाद नहीं मानता, मैं कहीं भी खाना खा लूंगा। खाना खाने से जातिवाद खत्म हो जाता है? देखिए भैया, कहने से करने में अंतर होता है। इसी यूपी का मंत्री जब अखिलेश यादव उतरे पद से अपने, तो बोले कि पहले इसको शुद्ध करो, आपका घर धुलवाया था गोमूत्र गंगा जल। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्या भाई साहब आओ भी आगे आओ। गांव में जातिवाद खत्म हो गया कि भी है? कुछ नहीं खत्म हुआ है, कहीं नहीं खत्म हुआ है। जातिवाद तो आज भी वैसे चल रहा है, अगर नीची जात का आदमी है तो उसको अछूती माना जाता है। हम लोग बाल्मीक समाज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, गांव में चश्मा उस्मा निकाल के निकल जाए बहुत सालों के गले से तो मारे हो रहे भी, ऐसा भी क्या? उनकी हिम्मत ही नहीं हम लोग को छू दे। दरअसल हम लोग उस खानदान से हैं कि हमारे यहाँ के। अरे आप तो उस खानदान से, ठीक है, आप नहीं डरते, बाकी लोगों के क्या हालचाल है? बाकी जो दलित है, बाकी जो दलित हैं उनको कैसे बताएं? उनकी स्थिति भी ऐसी ही है? नहीं, हमारे यहाँ तो सभी लोग ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक है, आप ये चतुर्थ यार बड़ा नेता होता टाइप बने, घर आओ। नहीं नहीं, क्या डर कह रहे हो क्या? बोलनी बात सर, मैं कहाँ रहने वाले हो? मैं सर एमपी ग्वालियर। ग्वालियर से आए हो? ग्वालियर वाले तो सब चंद्रशेखर आजाद के दीवाने हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा दबदबा उधर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चंबल क्षेत्र में अच्छा दबदबा है आज भी है। चंद्रशेखर भाई ये पार्ट भी नहीं दे सकेंगे, लेकिन ये और देखिए वहाँ भी चमार साहब का बोर्ड लगाया, भाई आ जाओ जरा आगे आ जाओ, ये देखो यहाँ भी चमार साहब का बोर्ड लगाए हुए हैं, सब प्राउड ही फील कर रहे हैं। हाँ, ये क्या भाई, दिखाओ जरा बोर्ड, दिखाओ यार,
ये क्या है चमार साहब, ये क्यों घूम रहे तुम लोग? ये इनका है। हाँ भैया, क्या ये जो लिए हो चमार साहब, ये लिखने क्या मतलब है इसका? ये हम हैं तो लिखे, जाहिर सी बात, बोलिए हमारा प्रधान है, ये हकीकत है जो है वही तो लिखेंगे। बहुत प्राउड फील कर रहे हो? जी बिल्कुल। क्या वजह है? बाबा साहब की जयंती पे आयो जी। बाबा साहब तो कहते थे जाति खत्म करो, अभी तो संविधान में ये कुछ लागू नहीं हुआ है, मतलब संविधान में भी अभी है ना। अच्छा, अभी कोई कर देंगे कोई अगर ठाकुर लेके घूमे कि हम ग्रेट ठाकुर हैं, ग्रेट ब्राह्मण है, तो वो तो गलत माना जाता है ना। नहीं सभी लिखते हैं, तब कहा जाता है दबंगई हो रही है, तो ये फिर इसको कैसे सही माने फिर? अरे वो ऊंची जात है, वो लिखते हैं तो हम भी लिख सकते हैं। अभी आदमी आगे बोल पाएगा, जब हम दबंग बनेंगे तभी तो हम आगे किसी से कदम उठा पाएंगे भाई। जब हम किसी के साथ जैसा है उसी हिसाब से बनने, उससे आगे बनेंगे तभी हम आगे हो पाएंगे। बाबा साहब जो हमारे सर, आज भी भेदभाव हो रहा है, चमार कह के पुकारते हैं, गांव में सताया जाता है, तो अगर चमार कह के संबोधित कर रहे हैं कि हम चमार, इसमें गलत क्या है? ये तो आप कह रहे हो कि जातिवाद है, लेकिन ये जो बड़े बड़े चैनलों में लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं, जरा वीडियो साइज बनाओ, तुम जो गड़बड़ कर रहे हो, वीडियो सही बन रहा है ना? हाँ, ये जो बड़े लाखों की सैलरी लेते हैं एंकर, वो तो कहते हैं कि अब जाति व्यवस्था कहीं नहीं, जातिवाद अगर खत्म हो गया होता तो हम ये चमार लेकर ना घूमते ना। जातिवाद खत्म नहीं, पूर्णतः खत्म नहीं हुआ ना, तो हम क्या करें भाई? हम चमार के आज भी पुकारते हैं, चमार के आज भी पुकारते हैं, तो हम चमार हैं। सीधी से बात, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बाराबंकी जिले से। बाराबंकी में भी जातिवाद है? जातिवाद बिल्कुल है, आज भी हम जॉब प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें हमको सहना पड़ता है जातिवाद। हम लोग पढ़ते हैं जातिवाद, किस तरह का जातिवाद होता है, किस तरह का जातिवाद होता आया है, होता रहेगा, किस तरह से, मतलब क्या भेदभाव होता है? अब भेदभाव होता रहा है आजकल, फेसक लेके जैसे कि भेदभाव ऐसा होता है कि जैसे पहले क्या थे आप, पहले झाड़ू बांधते थे, कहा मतलब क्या पहले थे अब क्या है? आज जो है अच्छे कपड़े में या जॉब कर रहे हैं, किसी अधिकारी के सामने बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन जो अदर अपोजिट पार्टी, मतलब जो जातवाद कास्ट के लोग हैं, वो तो कहते हैं कि भैया तुम क्या थे क्या हो, आज चमार हमारे सामने बात कर रहा है ना, उनको ये खलती है, इसलिए हम चमार शब्द का, जो चमार है तो चमार है, सीधी सी बात। अगर ये जातवाद कर दे, ये जो ग्रेट चमार या चमार साहब के लिए घूम रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद की वजह से है कि सबसे पहले साथ है, उन्होंने ही ग्रेट चमार का साइन बोर्ड लगाया था, अब ये उनके, तो उनके दिखा देखे ज्यादा ये चीज फैली है क्या? हाँ ये बात तो है, चंद्रशेखर की। अच्छा, ये जाटा समाज तो अभी बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी जो दलित समाज है, वाल्मीकि, पासी, वो कहाँ भाग गया सब? देखो जी, कहाँ चले गए वो सब? अगर जिसके पास इतनी समझ है उतना ही काम करेगा, टाइम आने पर उसकी जब आंखें खुलेंगी तो भी कहेगा हम कहाँ थे कहाँ आ गए, ये बात है। नहीं, ये कह रहे हैं कि उनकी हुए दम ही नहीं बाकी लोगों में। देखिए, अगर ब्राह्मण समाज से या उच्च जात से कोई टक्कर ले सकता है तो सिर्फ चमार ही ले सकता है, बाकी और सब उनके तलवे चाटने वाले। बाबा साहब कोई टक्कर ही नहीं लेता। उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात की, सभी बोलते हैं हाँ ठीक है, सिग्नेचर कर दिया खत्म, लेकिन उनका विरोध सिर्फ चमार जाति करती है और कोई नहीं करती। जैसे दलित हैं, पासी या वाल्मीकि हुए, क्या ओबीसी वाले दलित नहीं है? वो भी हैं, लेकिन वो भी, लेकिन वो मान नहीं रहे, मानते नहीं, डर से चले गए हैं कि जागरूकता की कमी है। प्राचीन काल में, बीते हुए कल में, केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ के सभी दलित थे, सभी के साथ अत्याचार किया गया, लेकिन जो समझते हैं, जो इस बात को मानते हैं, वही चमार। अखिलेश यादव तो खुद ही कह चुके हैं वो शूद्र, वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, कैमरामैन भाई, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं, आप कहिए हम शूद्र हैं, वो कह नहीं रहे, क्योंकि वो कहेंगे तो फंस जाएंगे ना, क्योंकि शूद्र जो है कम्युनिटी 85% की है और 15% के सवर्ण वाले हैं, तो फंस जाएंगे ना, इसलिए हम शूद्र नहीं कह रहे हैं, ये बात है। कहाँ के रहने वाले हो भैया? बलिया से। बलिया में जी? बलिया तो यार सामंतवादियों का जिला है, और ये बोर्ड अगर वहाँ लिए रहो तो तुमको बाबू साहब लोग तुमको लठिया देंगे। बाबू साहब की हिम्मत कहाँ है लठिया देने की भैया? हैं, कोई सवाल ही नहीं है। देखे नहीं वहाँ पे एक हेमंत यादव लड़के को बैट से मार दिए सब गिरा के, है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बलिया में भी सामंतवाद है कि नहीं है भाई? थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा है कि बहुत है? नहीं थोड़ा है, बहुत है, ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत परिवर्तन हुआ है। बहुत परिवर्तन हुआ है गांव में, ये ले जाओगे तो कुछ डर नहीं लगेगा? ये बोर्ड अगर गांव में लेके जाओ कुछ भी नहीं डर लगेगा, है तो सर पे बांध के चलते हैं, बांध के चलते हैं, सर पे बांध के चलते हैं।
ये हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत अपने आप से आती है। हमारे गांव में हमारे समाज से लोग इतना जागरूक हो चुके हैं, पहले से इतना ज्यादा जागरूक है कि कभी डर नाम का चीज ही नहीं हम लोग के पास। तो ये अभी 10-5 सालों की हिम्मत है कि पहले से आई है? 10-5 साल से ही हिम्मत है। 10-5 साल पहले तो अपना समाज जो था वो दबा था, जब से बहन जी जब से आई है तब से बहुत ज्यादा जागरूक हुआ है। ठीक, धन्यवाद भाई।